स्त्री टू इज मोर हॉरर कॉमेडी। हमें फिल्में देखनी होती थी तो बाकायदा रील्स ले आते थे हम लोग, गले लगा लिया हो फिर अगर वो हग छूट जाए तो वो बहुत तकलीफ देता है। सो देन यू वांट टू कीप बेटरिंग। बहुत अच्छा रहा इंटरेक्शन। दरअसल मैं पहली बार आ रही हूँ विस्लिंग वुड्स में, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है इन सब ने टू एक्चुअली एक्सप्लोर सो मेनी फैसेट्स ऑफ सिनेमा इन इसमें, या फिल्म्स दिखा भी लेते हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं, इंटरेक्शंस विद फिल्म मेकर्स, राइटर्स, एक्टर्स भी होती हैं। तो एक तरह से जो हम मिस करते हैं हमारे फील्ड में वो है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना और उनसे एक तरह से उनकी जो एंथुजियाज्म है वो एक्सपीरियंस करना, उनका सीखने की जो एक चाह है उनमें वो एक एक्सपीरियंस करना। तो इसलिए हमें आज बहुत मज़ा आया क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस आए वो बहुत ही प्रैक्टिकल फिल्म रिलेटेड, जो यंग पीपल हैं अभी ज़िंदगी में फिल्म बनाने के लिए निकल रहे हैं उनसे है, तो बहुत मज़ा आया। बहुत ग्राउंडेड फील करते हैं, बहुत हम्बल फील करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में अपना मार्क बनाना चाहते हैं, हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे आना चाहते हैं। सो वी टेंड टू फील ग्रेटफुल फॉर द पोजीशन दैट वी आर इन एंड वी कैन ओनली बी होपफुल दैट वी कैन लेंड देम अ फिंगर और अ हैंड टू स्टेप इनटू आवर शूज। जी मैं उस ईरा से आती हूँ जब इंटरनेट भी नहीं था, हमें फिल्में देखनी होती थी तो बाकायदा रील्स ले आते थे हम लोग NFAI से। मैं लकीली मुझे एक्चुअली दिल्ली में मैंने फिल्म पढ़ा है, लेकिन चंद फिल्में फिल्म इंस्टीट्यूट्स थे जहां आप सीख सकते थे, देख सकते थे दुनिया भर की फिल्में। अब ऐसा हो गया है कि आपके हाथ में है पूरी दुनिया की फिल्में और सब कोई सीख सकता है अपने इंटरनेट से भी, बहुत सारे आपको यू नो कोर्सेज मिल सकते हैं। लेकिन एक ये जो सीखने की जो एक इकोसिस्टम चाहिए होती है टू मेक यू अ वेल राउंडेड फिल्म मेकर, वेल राउंडेड आर्टिस्ट, इंटरेक्ट विद अदर पीपल, एक दूसरे से जो आपको सीखने को मिलते हैं, अच्छे टीचर्स हर डिपार्टमेंट में मिलते हैं, तो किस तरह से आपकी ग्रोथ होती है वो अभी ऐसे यू नो विस्लिंग वुड्स जैसे इंस्टीट्यूट से मिलती हैं, जो कि बहुत एक्चुअली हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि आपको दुनिया भर के रिसोर्सेज मिलेंगे इंटरनेट पे, पर आपको पता नहीं होगा क्या सीखना है, कहाँ से शुरू करना है, यू नो क्या करना है। तो प्लेसेस लाइक विस्लिंग वुड्स अगर होती तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा लोग फिल्म यू नो फ्रेश टैलेंट और भी जल्दी आ जाती थी इससे पहले। तो अभी 10 साल से अभी ये लोग, इट्स नाउ एटलीस्ट 15 ईयर्स 18 ईयर्स, तो इसीलिए अभी यू नो आपको देखने को मिल रहा है उसका असर, नई नई किस्म की कहानियाँ, नए यू नो पहलू इन स्टोरी टेलिंग खुल रहे हैं। मुझे लगता है कि यू नो जब से मैंने शुरू किया है अपना करियर, टेक्नोलॉजी में तो बदलाव होता ही रहा है, हर दशक में आपके पूरी तरह से इकोसिस्टम बदलते रहे हैं, फिल्म से वीडियो से अभी वी हैव गॉन टू डिजिटल विच इज़ एवरी ईयर, आपको ईयर ऑन ईयर कुछ ना कुछ नई चीज़ें इन टर्म्स ऑफ टेक ऑलरेडी हैं, लेकिन जो कभी बदलता नहीं है वो है कहानियाँ और कहानियों पे आपका एक तरह से एक पकड़ और अपनी ही जो है एक आर्टिस्टिक वॉइस, जो आई थिंक हर एक इंडिविजुअल की अलग होती है, वो कभी बदलता नहीं है। वो अगर आप में है, अगर चाह है कि हम कहानी बताना चाहते हैं, हम इस मीडियम में, हम आर्टिस्टिक मीडियम में घुसना चाहते हैं, वो एक तरह से दैट डिज़ायर, दैट नीड टू टेल योर स्टोरी, दैट नीड टू डिफाइन योर आर्टिस्टिक वॉइस, वो बदला नहीं है। दैट इज़ दैट स्टेज कॉन्स्टेंट डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल चेंज। फिर टेक्नोलॉजी बिकम्स द टूल with which you you know tell your story, so that I feel is what defines and separates people who can tell stories from people who can't, because aaj ke date mein everyone can be a storyteller. What has changed for me? Well, I've got as a filmmaker, I've realized how much love the audience has to give to filmmakers whose stories that they love.
आई फील हाई वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी हम्बल्ड, वेरी ब्लेस्ड कि लोगों को इतनी पसंद आई है फिल्म, लोगों ने मुझे लिटरली एक तरह से गले लगा लिया है, और वो फीलिंग आई थिंक मेरे करियर को अफेक्ट करेगा. द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, द फीलिंग दैट आई एम सपोर्टेड बाय एन ऑडियंस हु नोज द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू मेक. बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है विस्लिंग वुड्स के साथ. इनफैक्ट मैंने बहुत साल पहले एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी वेयर उनके जो स्टूडेंट्स थे दे वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म एंड दे केम अप टू मी और उन्होंने मेरे टीवी शोज देखे थे सो दे वर वेरी एक्साइटेड टू हैव मी ऑन बोर्ड. और तब मैंने उनके साथ शॉर्ट फिल्म करी थी फिल्म फेस्टिवल्स के लिए एंड नाउ व्हेन आई एम हियर फॉर माय फिल्म लापता लेडीज टू टॉक टू अ बंच ऑफ न्यू स्टूडेंट्स नाउ दे हैड द सेम एंथुजियाज्म. उन्हें जिस तरह फिल्म मेकिंग के बारे में जानना था उन्होंने स्नेहा मैम से, किरण मैम से, मुझसे, हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग कि कुछ सीन्स को हमने न्यूट्रल कैसे बनाया, कॉमेडी कैसे लाई. तो दे हैड लवली क्वेश्चंस. इनफैक्ट बहुत ऐसे टाइमर लगा हुआ था तो बेचारे सिर्फ क्वेश्चन पूछ पाए थे, मैं आगे पीछे की एक्साइटमेंट नहीं बता पा रहे थे वो कि अच्छा लग रहा है ये बहुत. बट दे डिड आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग सम सीन्स एंड वी आंसर्ड. प्रेशर एक तरह से बढ़ ही जाता है जब लोग अपेक्षा रखते हैं कि आप जो बनाएंगे नेक्स्ट, इसके आगे अभी आप क्या बनाएंगे. सब लोग एक्चुअली आपके तरफ जब देख रहे होते हैं एक तरह से उनके प्यार में ऑल्सो एक्सपेक्टेशन है तो फिर कच्चा काम हाथ में लेने से डर लगता है. क्योंकि एक बार जब किसी ने गले लगा लिया हो फिर अगर वो हग छूट जाए तो वो बहुत तकलीफ देता है. सो देन यू वांट टू कीप बेटरिंग योरसेल्फ. Well, I'm exploring again comedy drama, one more in this space, but the one I want to make more immediately is sort of a supernatural horror kind of space. Like three, It's kind of, this is more, it's more, let's say, scary fairy tale. Not so much, I think 3-2 is more horror comedy. So yeah, but yeah. It's a similar space. Ma'am, when are the auditions happening?